हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनेत्रा। आपका सबका स्वागत है इंडियन मॉम सुनेत्रा चैनल में। आज मैं दिखा रही हूँ मेरा होम टूर, जो बहुत रिक्वायर्ड वीडियो है, लेकिन मुझे इतने दिन से वक्त ही नहीं मिल रहा था। तो ये रही हमारे घर की एंट्री। बहुत ही अच्छा सभ्य वातावरण है, मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है। और जो अपार्टमेंट के घर रहते हैं ना, वैसा नहीं है, बहुत खुला खुला है ये, इसलिए मुझे पसंद है। एक बात और बताऊँ कि ये बहुत पुराना है। मेरी सास और उसकी सासू माँ भी यहाँ रह चुकी है, मतलब 40-50 ईयर्स पुराना ये घर है। ये हमारा होटल है छोटा सा एंट्री में, जो अभी फ़िलहाल बंद है लॉकडाउन के कारण। और ये देखिए, ये हमारी ग्रीनरी है, थोड़े फूलों के पेड़ है। ये मनी प्लांट है, देखो अच्छी तरह से बढ़ गया है। मनी प्लांट का मुझे काफ़ी शौक़ है और मैं अब इसको बहुत ग्रो करने वाली हूँ। ये मेरी बेटी की साइकिल है। और यहाँ पे देखो, तुलसी माता के बहुत सारे पौधे आए हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। बहुत सारे पौधे आए, मतलब 40-50 तो पौधे ज़रूर है। ये है हमारा पिछवाड़ा, मतलब पीछे ये रास्ता जाता है घर के पीछे। ऐसे दो रास्ते जाते हैं पीछे भी। ये हमारी मोटर और ये कनेक्शन है लाइट का। अब आते हैं घर में, जहाँ एंट्री करते हैं। ये देखो, इधर से हमारे घर की फ्रंट एंट्री होती है। बैक से भी है, लेकिन हम फ्रंट से ही आते जाते हैं। ये हमारा दरवाज़ा है, ये इधर बेल है। आते ही सामने ही हनुमान जी की एक फ़ोटो है, कहते हैं कि होनी चाहिए। और इधर ये थोड़ा सा स्टोर रूम जैसा है, बच्चों के खिलौने और एक ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रिज है, ये कबाड़ है। ये सब जो है वो ज़्यादा है, खिलौने वगैरह जो हमने यहाँ रखे हैं। और अभी सामान क्वारंटाइन के लिए भी ये जगह हमें बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ किसी का हाथ नहीं लगता। इधर आते ही ये घर के सामने की खिड़की है अंदर से। और कलर वगैरह नहीं है हमारे घर को अभी, तो थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसी साल मेरे सास ससुर भी गए हैं, कलर तो नहीं किया है अभी। और ये है हमारा टीवी कॉर्नर, अभी भी हमारे पास पुराना ही टीवी है, मतलब अच्छा चल रहा है, इसलिए हमने बदला भी नहीं है अभी। तो ये है टीवी कॉर्नर। और ये है हमारा 3-सीट सोफ़ा सेट, प्लाईवुड का है, मतलब अच्छा सागवान का है। यहाँ पे ये श्रीयंत्र है। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, उधर से एक हमने वो किराए पे दे दिया है, उधर की रूम जो है वो किराए पे दे दी है। और ये डबल सीट है सोफ़ा का। और बीच में ही है गणपति बप्पा, ये देखो, ये गणपति बप्पा है, बहुत अच्छे दिखते हैं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिए हैं, इसलिए मैंने संभाल के रखे हैं ये। यहाँ पे थोड़े मोरपंख लगाए हैं। और ऊपर बालाजी की फ्रेम है, वो हम बालाजी जब गए थे तब लाई थी, इसलिए संभाल के रखी है। और ज़्यादा कुछ डेकोरेटिव मेरे पास नहीं है, क्योंकि घर भी वैसा है, मतलब 40 साल पुराना है। अभी इसको जब कलर वगैरह करेंगे ठीक से, तो हम ठीक करेंगे। और ये बीच में कबाट है ये। और इधर ना वो पुराने जैसे रहते थे ना, वो है पर्दे के पीछे डेली यूज़ के कपड़े, एक्स्ट्रा सामान वगैरह मैंने रखा है। ये देखो पूरा हॉल, एक बात फिर, ये है हमारा पूरा हॉल। बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे लंबा है, चौड़ाई में थोड़ा कम है, लेकिन बहुत लंबा है। और ये है किचन। किचन का टूर मैंने पहले भी किया है, लेकिन अभी एक बात फिर दिखा रही हूँ। ये अभी मैंने खाना बनाया, इसलिए थोड़ा सा किचन मेसी है, सॉरी इसलिए। ये है फ्रिज मेरा, ये कैट फूड है नीचे। और ये रहे मेरे बर्तन, जो डेली यूज़ में मैं यूज़ करती हूँ। ये देखो, ये है भगवान का घर, अच्छा लगता है बहुत इधर वक्त बिताने से मुझे। और ये है डाइनिंग एरिया, मतलब हम नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन है डाइनिंग एरिया भी है। और ये बाकी के बर्तन जो डेली में यूज़ होते हैं। वैसे किचन का पूरा टूर मैंने करवाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं दोबारा। और इधर से जाने के बाद आता है मेरे बच्चे का बेडरूम, मतलब मेरे बेटे का बेडरूम। वो भी छोटा सा ही है, लेकिन अच्छा है उसके लिए। ये उसकी बुक्स है कुछ, ये देखो ऐसे। ये फैन है चेयर पे उसका। और ये है उसका बेड। ये तो बहुत पुरानी रूम है, ये देखो ये कैसी दीवार हो चुकी है इसकी। और ये उसका कबड़ है, जिसमें वो कपड़े वगैरह रखता है। इधर से अंदर जाने के बाद ये है हमारी बेडरूम।
यहाँ पे है मेरा ड्रेसिंग टेबल, यह है हमारी फ़ोटो, यहाँ सब हमने बिस्तर वगैरह रखा है डेली का। ये राधा कृष्ण की तस्वीर है, कहते हैं कि मियाँ बीबी के बीच झगड़े नहीं होते ये रखने के बाद, तो मैंने रख दी है। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, इसकी टूर मैं अलग से करवाऊंगी अंदर क्या क्या है दिखाने के लिए। ये एक छोटा सा बेड है, यहाँ पे खिड़की है, और ये बेड पे हमारा कैट सोता है, मुन्ना सोता है ज़्यादा करके, ये देखो। और ये हमारा बेड है, ये दोनों बेटे इधर बैठे, ये देखो हमारा कैट मुन्ना नेम है इसका, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। एक बार फिर से देखो मेरी रूम, तो इतनी चार रूम का घर है हमारा। ये देखो कैसे देख रहा है, देखो हमेशा खेलती रहती है मेरी बेटी इसके साथ, और वो भी खेलता रहता है इसके साथ, दोनों भी थकते नहीं है। और ये मेरी मशीन है, एक फॉल बीडिंग की मशीन है और एक सिंपल मशीन है जिस पे मैं काम करती हूँ। यहाँ से एक खिड़की है ये ऊपर का, और यहाँ पे एक अटैच बाथरूम है घर में ही। और इधर से एक मिनट, और एक बार फिर से मैं हॉल दिखाती हूँ आपको, शायद समझ में नहीं आया होगा। तो एक बार फिर बाहर आई हूँ मैं, मैंने रंगोली दिखाई नहीं आपको इसलिए। ये तुलसी वृंदावन, ये खाली है क्योंकि उधर तुलसियाँ ज़्यादा आई है। ये देखो मेरी रंगोली, रोज़ डालती हूँ मैं रंगोली घर के बाहर, अच्छा रहता है और मन को भी अच्छा लगता है। ये वो भी परी खेल रही है इधर, देखो कितना बड़ा हॉल है हमारा, है ना। वैसे तो कुछ प्रोग्राम है तो 30-40 जन तो आराम से खाना खाने को बैठ सकते हैं, और सो भी सकते हैं 10-12 जन। और ये ऊपर का POP है, अभी किया है क्योंकि बहुत ही ख़राब दिख रहा था इसलिए थोड़ा सा काम करके लिया है। एक बार फिर से किचन दिखाया। अब ये पिछवाड़ा देखो, बहुत ही ओल्ड है, बहुत बहुत ओल्ड है, लेकिन फिर भी दिखाती हूँ मैं। चलो ये बेसिन है, इधर बाथरूम है, और ये मेरा वॉशिंग मशीन है, ये देखो ऐसा। ये इसमें तो पहले ज़माने के लोग रहते थे, अब हम यहाँ रहते नहीं है, अब यहाँ हमने स्टोर रूम कर रखी है। लेकिन मेरी सास की सास जो थी, सासू माँ सॉरी, वो यहाँ रहती थी। ये देखो कितना पुराना है, कितना मतलब 40-50 साल पुराना घर। मैं तो रात को पीछे नहीं आती, डर ही लगता है मुझे। और ये है पीछे की थोड़ी सी बगिया, मतलब पेड़ है थोड़े, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, और कड़ू नीम का पेड़ है, बेल पत्र का पेड़ है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है। यहाँ पे हमारा टॉयलेट है, ये देखो ये केले का पेड़, बहुत केले आते हैं इसमें, नारियल का पेड़ है, पेड़ बहुत है हमारे यहाँ पीछे पीछे भी और आगे भी पेड़ अच्छे से है। ये देखो ये पूरा पीछे का व्यू है हमारे, यहाँ पे एक घर है किसी और का, मतलब नेबर्स का। अभी ये बारिश के कारण बहुत बड़ा है ये सब, नहीं तो ये क्लीन रहता है। इधर का निकाला है देखो, सब ग्रास जो रहती है ना वो निकाली है थोड़ी बहुत। और ये पीछे का दरवाज़ा है, पुराना है लेकिन हमारे लिए काफ़ी है। और एक बात बोलूँ तो किराए से रहने से ज़्यादा हमारा अपना घर जैसा भी हो, पुराना हो नया हो, लेकिन वहाँ एक सुख शांति मिलती है और बड़ों के आशीर्वाद भी वहाँ रहते हैं, इसलिए रहना चाहिए मेरे ख्याल से। और कभी ना कभी करेंगे हम। तो आप तो कैसा लगा मेरा होम आप